हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की मसालेदार बहुत ही टेस्टी सब्जी। आप यहाँ पे सब्जी का कलर टेक्सचर देख सकते हैं, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है और ये सब्जी पर्सनली मेरी फेवरेट है। वीक में मैं एक दो दिन इसे ज़रूर बनाती हूँ। आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिए, सब्जी बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू बैंगन की सिंपल और मसालेदार टेस्टी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने दो आलूओं को कट कर लिया है बड़े टुकड़ों में, साथ में दो बैंगन भी कट कर लिया है। आलू बैंगन को पानी में डालकर रखा है ताकि वे काले ना पड़े। साथ में लिया है हरा धनिया, दो टमाटर, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और लहसुन। तो चलिए कढ़ाई रख दिया है मैंने गैस पे गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे 1.5 से 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उसमें सब्जी बना सकते हैं। तो तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले, जिसमें मेथी, जीरा, सरसों, सूखी लाल मिर्च और एक तेज़पत्ता। मसालों को थोड़ा सा भुनने देते हैं, उसके बाद हम इसमें आलू बैंगन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मसाले जो हैं वो भुन चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारे कटे हुए आलू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आलूओं को मैंने बहुत ही छोटे टुकड़ों में नहीं काटा है, थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। तो हमें आलू को इस तरह से ही काट लेना है। तो हमें आलू को अब थोड़ा सा भुनना है, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं ताकि नमक आलू में अंदर तक चला जाए, आलू खाने में फीके ना लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आलू हमारे भुन चुके हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे बैंगन। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ा सा भुनने देते हैं कुछ मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। और तब तक हम अपना मसाला बनाकर तैयार करेंगे। आलू बैंगन को भुनना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है मिक्सर ग्राइंडर पॉट, इसमें ऐड किया है अदरक, लहसुन, ये है धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, ये है लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, यह है जीरा, आप यहाँ पे जीरा पाउडर भी ले सकते हैं 1/2 छोटा चम्मच, और यह है काली मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। और साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, 1/2 छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम सरसों के दाने, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए मसाला पीस कर तैयार कर लेते हैं, ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने मसाला पीस लिया है, अब हमारे बैंगन और आलू दोनों फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है आलू और बैंगन का। तो इतना हमें इसे फ्राई करना है तभी सब्जी टेस्टी बनेगी, अच्छी बनेगी। तो आलू बैंगन में अब हम मसाला ऐड कर देते हैं और अब हम खूब अच्छे से सब्जी को भूनेंगे, थोड़ा टाइम देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच हल्दी भी ऐड कर दिया है अच्छा सा कलर आने के लिए सब्जी में। और सबको मिक्स करके जब तक कि तेल इसमें से अलग ना होने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इस तरह से, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बिल्कुल आपको जैसे गांव में सब्जी बनती है उस तरह का टेस्ट आएगा इस सब्जी में से। तो यहाँ पे हमारे आलू बैंगन और मसाले भून चुके हैं, तेल अलग हो रहा है आप देख सकते हैं। तो साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। थोड़ा नमक हमने पहले आलू के साथ भी ऐड किया था और थोड़ा हमने बाद में ऐड कर दिया है। और ये नीचे जो मसाला थोड़ा चिपक रहा है उसे इस तरह से हटाते हुए हम भून लेंगे और इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जो मसाला नीचे चिपक रहा है उसका बहुत अच्छा सोना सोना सा फ्लेवर आता है सब्जी में। तो आप टेंशन ना लें कि आपकी सब्जी जल रही है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को थोड़ा सा ढक दिया है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, पक जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर ने थोड़ा पानी भी छोड़ दिया है और टमाटर हमारे पक चुके हैं। हम टमाटर को बहुत मैश नहीं करेंगे, इसी तरह से रहने देंगे। और ये टमाटर भी मसाले के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ऐड किया है सब्जी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। आप चाहें तो सूखी सब्जी इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/2 ग्लास। आप इस सब्जी को चावल, रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं,
जिन्हें भी बैगन पसंद है उन्हें ये सब्जी बहुत पसंद आएगी, बहुत टेस्टी लगेगी। इसमें हम प्याज का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये देखिए पानी ऐड कर दिया है, सब्जी में उबाल आ गया है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ढककर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बैगन अच्छे से पक जाए, मतलब सब्जियां सारी आलू बैगन सब अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, सब्जी बहुत अच्छे से पक चुकी है, तैयार हो चुकी है सब्जी हमारी। ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया के साथ इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चावल के साथ खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी गर्मा गर्म आलू बैगन टमाटर की मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आलू बैगन की सब्जी का मज़ा लेते हैं हम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।